हेलो एवरीवन, फाइनली आप इस वीडियो पे आ ही गए। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है ऋषभ और मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। और आपको बेसब्री से बहुत इंतजार था क्या कि सर एक ऐसा वीडियो बना दी जिसमें आप सारी स्ट्रेटजी डिस्कस कर दें कि रीजनिंग में स्कोर कैसे किया जाता है। तो आपका इंतजार खत्म होता है और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए स्कोर बूस्टर स्ट्रेटजी। ये किसके लिए रहेगी तो आप सभी को पता है, ये स्ट्रेटजी जो अपनी रहने वाली है ये किसके लिए रहने वाली है, ये आपको पता है रीजनिंग के लिए रहने वाली है, ठीक है ना। रीजनिंग में फुल स्कोर कैसे करें, तो आपका इंतजार होता है खत्म। आज इस वीडियो में अपन ए टू जेड सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और मैंने ऐसे कितने एग्जामों में स्कोर किया है और मेरा अधिकतर एग्जामों में क्या स्कोर रहता है, वो भी सारी बातें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग जो होती है ना, रीजनिंग में आपको पता होना चाहिए टोटल 44 चैप्टर होते हैं, जिसमें कि वर्बल के होते हैं 23, नॉन वर्बल में आते हैं 13 चैप्टर और एनालिटिकल के आते हैं 8। तो ये तीन सेक्शन होता है रीजनिंग का डिवाइड, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल, इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 44 आएगा। इसका मतलब है पूरी रीजनिंग में, दुनिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो रीजनिंग आती है, या फिर अपन भारत में देख लें जो अपने सरकारी नौकरी वाले एग्जाम है जिनमें ये रीजनिंग आती है, उनमें ये 44 चैप्टर से ही सवाल आपके पूछे जाते हैं। और देखो 44 चैप्टर जो अपने हैं ना, उनमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, जैसे कि सबसे पहला सेक्शन अपना वर्बल वाला है, तो वर्बल में आपने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग के सवाल होते हैं, पेयर फॉर्मेशन के सवाल होते हैं, लेटर सीरीज अपनी आती है, फिर वर्णमाला सीरीज आती है, शब्द गठन आते हैं, शब्दकोश आते हैं, अक्षरों का तार्किक क्रम आता है। तो ये सब आपने वर्बल में चैप्टर देखे होंगे। और देख लेते हैं और चैप्टर कौन से होते हैं, जैसे क्लॉक अपना एक चैप्टर होता है, डायरेक्शन डिस्टेंस होती है, फिर उसके बाद न्याय सिलॉगिज्म होता है, रैंकिंग व्यवस्था होती है, सिटिंग अरेंजमेंट होती है, पजल, वेन डायग्राम, ये सब चैप्टर आपको पता होंगे, ये आपने अभी तक देखे भी होंगे, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट असमानताएं। वर्बल में इससे ज़्यादा चैप्टर कहीं भी नहीं होते, चाहे कोई भी आप बुक देख लें या फिर कोई भी सिलेबस देख लें एग्जाम का। अब बात कर लेते हैं एनालिटिकल रीजनिंग ये क्या होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ये वाले चैप्टर होते हैं कथन और तर्क, मतलब कि स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, कथन और पूर्वधारणा, ये आपने जरूर देखे होंगे अगर आप रेलवे वगैरह एग्जाम देते रहते हैं, है ना। कथन निष्कर्ष, ये भी आपने देखे होंगे कथन निष्कर्ष वाले सवाल, ये कथन और कार्यवाही, ये भी आपने देखे होंगे, कारण और परिणाम, ये भी होता है अभिकथन और कारण, निर्णय लेना, आंकड़े, अपर्याप्तता, ये जो 8 चैप्टर होते हैं ना, ये अपने कौन सी रीजनिंग में आते हैं, ये अपने एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। तो आपने अभी देख लिए कि वर्बल में कौन कौन से चैप्टर होते हैं और एनालिटिकल में कौन कौन से होते हैं। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं अपना तीसरा सेक्शन, जिसमें होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में चैप्टर कौन से होते हैं, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, छिपी हुई आकृति, आकृतियों को पूरा करना, आकृतियों का समूह, आकृतियों का की श्रृंखला, है ना। फिर अगला होता है कि आकृतियों की गणना, जैसे आपने ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, इस टाइप के फिगर आपने देखे होंगे। डाइस होता है अपना घन घनाभ, आकृतियों की सादृश्यता, वर्गीकरण, बिंदु स्थापना, आकृतियों को जोड़ना। ये जो अपने 13 चैप्टर होते हैं ना, ये कौन कौन से होते हैं, ये सारे वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। मैंने तीनों रीजनिंगों को आपका सिलेबस दिखा दिया है, चाहो तो आप एक बार फिर से देख सकते हो, ये तीनों ही सिलेबस यहाँ पे आपके रखे हुए हैं। जैसे कि 23 चैप्टर होते हैं वर्बल में, 13 चैप्टर नॉन वर्बल में और 8 चैप्टर अपने एनालिटिकल में। इतनी बात आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ तक बातें बताई हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब बात कर लेते हैं कि इन चैप्टरों में जो मैंने अभी तक एग्जाम दिए हुए हैं उनमें मेरा कितना स्कोर रहा है, फिर आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि चलते हैं अपने पहले स्कोर कार्ड पे। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, एग्जाम वगैरह आप ऊपर से पढ़ लेना, ये मेरा नाम लिखा हुआ है और आप देखेंगे इसमें रीजनिंग में मेरा कितना है 47.5। ये एग्जाम ये कितने में से आए हुए हैं, 50 में से 47.5। इसका मतलब है मेरा 25 सवालों में लगभग एक सवाल गलत हो गया होगा, लगभग क्या, एक ही सवाल गलत हुआ होगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्कोर कार्ड अपना ये वाला देख लेते हैं। इसमें भी आप देखोगे 47.5। एग्जाम जो भी हैं वो आप ऊपर देखते रहेंगे, तो आप देख रहे हो कि मतलब कि एक सवाल गलत हो रहा है। आगे चलते हैं, अगला देखो, इसमें भी 47.5 है, आगे भी देख सकते हो इसमें, तो इसका कोई मतलब नहीं है वैसे। चलते हैं आगे, अगला स्कोर कार्ड इसमें देख लेते हैं कि रीजनिंग में 23.75, इसमें 25 सवाल होते हैं, इसमें भी अपना कैसा एक गलत हुआ है, एक गलत हो गया है, तो अपना माइनस मार्किंग की वजह से कितना आया है 23.75। आगे चलते हैं और अपने स्कोर कार्ड देखते हैं। जैसे कि आप अपना ये स्कोर कार्ड देख सकते हो, इसमें पूरे 25 रखे हुए हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला स्कोर कार्ड देखेंगे तो आप इसमें भी 25 रखे होंगे। तो कहने का यह मतलब है आप तैयारी हमेशा 100% की करें और 100% आपके आएंगे भी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते 100% दावे के साथ कि आपके 100% ही आएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं या बहुत सारे जनरल नॉलेज पे बेस्ड चीज़ें आ जाती हैं वो गलत हो जाता है, या फिर कुछ सवाल ऐसे गलत हो जाते हैं जो सबके सही हैं लेकिन अपने ही गलत हैं। और देख लेते हैं एक दो और स्कोर कार्ड, देखिए आप ये भी देख सकते हो, है ना।
तो मतलब कि कमी नहीं है, स्कोर कार्ड बहुत सारे रखे मुझे अभी ढूंढने पर, इतने ही मिले थे। तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि रीजनिंग में 100% स्कोर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैंने खुद किया हुआ है, और 95% से नीचे तो कभी स्कोर रहा ही नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गलत सवाल होगा तो कितना, एक। तो आपको भी ऐसे ही कुछ स्ट्रेटजी तो रही होगी ना मेरी कि 25 सवालों में सिर्फ एक ही गलत हो रहा है या फिर पूरे सही हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्या खास है मेरे के अंदर जो आप भी अपने अंदर डेवलप करके ये स्कोर अचीव कर सकते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इतना आपको कर लेना है। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा वीडियो का ये आता है कि हाउ टू स्टडी फॉर एनी एग्जाम, मतलब कि अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है जिसमें रीजनिंग आती है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली ये बात हो सकती है क्या, या तो आप खुद से प्रिपेयर कर लें चीज़ें, है ना, नहीं तो फिर आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी। जैसे कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है SSC GD 2022, जो मैं स्ट्रेटजी यहाँ पे बताने वाला हूँ ये सारे एग्ज़ामों के लिए लगेगी, चाहे आप SSC दे लें, चाहे आप रेलवे दे लें, है ना, रेलवे दे लें, या फिर आप अगर पुलिस देना चाहते हैं तो पुलिस दे लें। तो दुनिया का मतलब कोई भी, दुनिया का नहीं मतलब भारत का कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, SSC हो, रेलवे हो, पुलिस हो, तो ये स्ट्रेटजी हर जगह काम करेगी। और आपको पता है इन सब चीज़ों को पढ़ के मैंने स्कोर लाया हुआ है, मैं आपको दिला भी सकता हूँ। जैसे कि SSC GD वाले बच्चों की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें तो अपकमिंग में अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम लगभग GD का ही है, जनवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जनवरी, है ना। तो देख लेते हैं उसके लिए क्या, जैसे कि आपको पता है सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है GD वाले बच्चों की अगर बात करें तो, पिछली साल क्या होता, जो 2021 का रिजल्ट अभी फाइनल आया है उसका सिलेबस क्या होता था, ये सब जो सवाल होते थे ये 25-25 होते थे भाई, होते थे। लेकिन अब ये सवाल कितने हो गए, तो आप कहेंगे गुरुजी अब ये सवाल सब 20-20 हो गए। इसका मतलब क्या है, आपका टाइम भी रिड्यूस कर दिया गया है, पहले 1.5 घंटा होता था, अब आपके सिर्फ 60 मिनट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चार सेक्शन होते, चारों सेक्शन में 20-20 सवाल आते हैं और समय आपको मिलने वाला है 1 घंटे का। और जो 20 क्वेश्चन है ये 40 नंबर के इधर हैं, 40 नंबर के इधर हैं, 40 के इधर और 40 के इधर। मतलब कहने का ये, हर एक क्वेश्चन जो आपका आने वाला हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, है ना, जो भी आपका GS वगैरह हो, सब 2-2 नंबर के होने वाले हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें अब नेगेटिव मार्किंग भी है, कितनी, 1/4 की। तो आपको पता है सही करोगे तो +2 मिल जाएंगे, नहीं तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा अगर आपने गलत कर दिया। तो ये चीज़ें आपको देख के भी चलनी, जो आपको पता है जो पॉइंटों में नंबर कम हो जाते हैं वो माइनस मार्किंग की वजह से हो जाते हैं। तो मतलब कि आपको एक एक सवाल बहुत चुन के करना है। अगर हम ध्यान से देखें कि GD का सिलेबस क्या है, मतलब कि कौन कौन से चैप्टर GD में आ रहे हैं, अगर आप आने वाले एग्जाम में GD का देना चाहते, देखिए ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं अपने स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ कि मैं मेहनत करके कैसे लाया और आप भी कैसे ला सकते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि हर एग्ज़ाम पे अप्लाई होती हैं। जैसे मान लो आप कोई भी एग्ज़ाम आने वाला पुलिस देने वाले हैं, आने वाला मान लो कोई बैंक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर SSC में कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप रेलवे में कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये स्ट्रेटजी हर जगह फिट होगी जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है, जो कि मैं GD वाले बच्चों के लिए बता चुका हूँ, क्योंकि अगला एग्ज़ाम अपना वही है। अभी वैसे रेलवे के अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, आगे आएंगे तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विथ विल बी टेस्टेड, है ना, थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ द नॉन वर्बल टाइप। तो अब आप ये देख रहे हो कि नॉन वर्बल टाइप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जितने भी आपके डिस्टिंग्विश पैटर्न वाले होते हैं ये सब आपको टेस्ट किया जाएगा, वो ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। दिस कॉम्पोनेंट में इंक्लूड दिस क्वेश्चन ऑन द एनालॉजी सिमिलरिटी, एनालॉजी सिमिलरिटी डिफरेंसेज, है ना, ये सब विजुअलाइजेशन, इस पर चीज़ें आने वाली हैं। तो बस ये आप सिलेबस वगैरह देख सकते हो, अर्थमेटिकल रीजनिंग भी उन्होंने लिख दिया, नॉन वर्बल की सीरीज भी लिख दी, नंबर सीरीज भी लिख दी है, तो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है उन्होंने, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आपको चैप्टर बता दिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में सिर्फ 44 चैप्टर्स ही होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल चैप्टर ही आपको बताए गए, तो आपको वही स्टडी करना है, बाकी यहाँ वहाँ आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर मैं ऐसी स्ट्रेटजी बता दूं जिससे मैं चीज़ें खुद कर लूं, मुझे आपकी या किसी और लोगों की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको खुद से प्रिपेयर करना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करना। सबसे पहला स्टेप अपना क्या है, क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी। और रीजनिंग जो होती है ना, उसमें खास बात क्या है मेरे प्यारे भाई, कि रीजनिंग लगभग सभी बच्चों को आती है, बिल्कुल आती है, क्योंकि रीजनिंग का मतलब होता है तार्किक क्षमता, कि मतलब आपका दिमाग कितना तर्क दे सकता है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। तो सबसे पहले जितने भी ये 44 चैप्टर्स हैं जो भी आपके एग्जाम में आने वाले, वो पिक कर लो पहले। उन चैप्टरों को उठाने के बाद
आप किसी भी जगह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और उसके बाद क्या करो, एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, मतलब कि जैसे आपको एसएससी देना या फिर पुलिस देना या रेलवे देना, तो ये विगत वर्षों में आए हुए हैं ना, उनका एक बार पैटर्न देखो कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है, किस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। और तीसरे स्टेप में आप ये कर सकते हैं, फॉलो द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कि जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 में कौन से एग्जाम कहाँ पे हो रहे हैं, कौन कौन से एग्जामों में कौन कौन से पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, तो उस टाइप को आप देख के उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं ये तीन स्टेप्स। बाकी आपके कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये सब बातें हटाओ, इतना हम कुछ नहीं कर पाएंगे कि मतलब प्रीवियस ईयर ढूंढें, फिर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं और क्लियर करें, फिर हम ट्रेंड देखें, तो इतना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन बता दें जिससे मेरे भी आपकी तरह 100% स्कोर आ सके, मतलब कि 95 एटलीस्ट तो रहना ही चाहिए। मैं कोई भी एग्जाम देने जाता हूँ 95% से 100% के स्कोर से कभी भी मतलब आगे तो नहीं जा सकता, पीछे कभी नहीं गया, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 90% स्कोर रह गया, मेरे दो सवाल गलत हो गए। जैसे कि आपने देखा इनमें कोई भी ऐसा स्कोर कार्ड नहीं जिसमें एक से ज्यादा गलत हुआ, मैक्सिमम वैसे तो सारे ही सही रहते हैं लेकिन गलत होगा तो एक ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो इतना चलता है, अगर आप भी देंगे ना तो एग्जाम देते रहोगे तो प्रैक्टिकल बात ये होती है एकाध गलत हो ही जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो बहुत सारे बच्चे हैं, सर आप हमें कुछ ऐसी चीज बता दो जिससे हमें कुछ ना करना पड़े, तो आप परेशान ना हो, आपके लिए मैं आ गया हूँ, है ना। तो डोंट वरी, चिंता मत करें, आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपकी मदद के लिए, मतलब आपको गाइडेंस देने के लिए, है ना। और क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको प्रो रीजनिंग में बनना है, बिकम अ प्रो इन रीजनिंग, जैसे कि आप मुझे कह सकते हैं थोड़ा, क्योंकि मैंने एक बार नहीं किया है, मैं अधिकतर जितने भी एग्जाम देने जाता हूँ ऑलमोस्ट 100% स्कोर या 95% स्कोर लेके आता हूँ, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे अपने स्कोर कार्ड दिखाएंगे, सर देखिए मेरे भी आ गए, तो भाई आपके एक बार आ गए होंगे, मैंने जितनी बार दिया है उतनी बार आया है, तो ये बड़ी चीज़ होती है। आपको कभी आजमाना हो तो एक मॉक टेस्ट दे के देख लेना, मॉक टेस्ट में आप अगर पूरे नहीं ला पा रहे तो एग्जाम में थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा कि एग्जाम में और बिल्कुल नहीं ला पाएंगे आप, है ना। तो सबसे आपको क्या करना है, बस ये तीन स्टेप फॉलो कर लो अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले ज्वाइन पाठशाला रेलवे एग्जाम, जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें ज्वाइन कर लें आप। और रीजनिंग किससे पढ़ना है, रीजनिंग भाई ऋषभ सर, तो ऋषभ सर वहाँ पे आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और टाइमिंग क्या है, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है कि लाइव एट 5:45, मतलब कि पर डे का मतलब है मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार शाम 5:45 पर आपको यहाँ पे ऋषभ सर मिलेंगे, इनसे लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग अगर आपको प्रिपेयर करनी है, तो फिर यहाँ पे ऋषभ सर आपको मिल जाएंगे जो रीजनिंग के लिए आपको गाइड कर देंगे। और आपको पता है कि ऋषभ सर क्या है, 100% स्कोर वाले टीचर हैं और इन्होंने अपना स्कोर कार्ड भी आपको शेयर कर दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। अगर आपको टीचर की ज़रूरत है या कोई मेंटर की ज़रूरत है जो आपको रीजनिंग में मदद कर सकता है, ऐसा आपको लगता है, तो आप इन ऋषभ सर को फॉलो कर सकते हैं और अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग की 5:45 पर। तब तक अपना ख्याल रखेंगे सभी लोग, और जय हिंद।